बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि दिल्ली के मुखर्जी नगर से आ रही है। यहां पर एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई है और जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं छात्र, क्योंकि नीचे पूरा जमावड़ा लगा हुआ है लोगों का। आप देख सकते हैं कैसे वहां पर छात्र ये रस्सी के सहारे नीचे उतर रहे हैं। ये कोचिंग सेंटर मुखर्जी नगर का बताया जा रहा है। दरअसल मुखर्जी नगर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। ऐसे में ये बिल्डिंग, ये इमारत आप देख रहे हैं जहां पर एक कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था, क्या वहां पर इंतजाम थे आपको रोकने के लिए, बुझाने के लिए, ये समझ पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से छात्र रस्सी के सहारे उतर रहे हैं, दिल्ली फायर ब्रिगेड की हालांकि कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, लेकिन तुरंत इवैक्यूएशन इन छात्रों का किया जा रहा है। जान बचाते हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं, अपने बस्ते, अपने बैग्स नीचे की ओर फेंक रहे हैं, उसके बाद खुद वो नीचे जान बचाने के लिए उतर रहे हैं। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, ताजा स्थिति क्या है, क्योंकि वहां पर रस्सी के सहारे छात्र उतरते हुए नीचे दिखाई दे रहे हैं, फायर ब्रिगेड कहाँ है? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 7 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस के कई बड़े अधिकारी नेहा, तकरीबन 12 बजे के लगभग ये आग लगी है और जो तस्वीरें आप देख पा रही हैं काफी विचलित करने वाली है। ये कोचिंग सेंटर है जहां से जो स्टूडेंट हैं वो एक एक करके कोई रस्सियों के सहारे कोई कूद कर जान बचा रहा है। हालांकि अभी तक किसी तरह की कैजुअल्टी की जानकारी हमें नहीं, इसमें आग लग गई अचानक से। और चूंकि ये जो मुखर्जी नगर का एरिया है, आपको बताऊं दिल्ली यूनिवर्सिटी के करीब का एरिया है और यहाँ पर कई ढेर सारे कोचिंग सेंटर है। उसी कोचिंग सेंटर में से एक कोचिंग सेंटर में जो काफी बड़ी बिल्डिंग है वो आपको दिखाई भी, 12 बजे के लगभग ये आग लगी है, जिसके बाद जो फायर टेंडर की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची हुई है, स्थानीय जो पुलिस है, इलाके के अधिकारी वो मौके पर पहुंचेंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन वो लगातार किया जा रहा है फिलहाल। लेकिन जो आप तस्वीरें देख पा रही हैं इसमें जो छात्र हैं जो कोचिंग में पढ़ते हैं वो बाकायदा रस्सियों के सहारे नीचे उतर रहे हैं। कुछ अंदर भी कुछ छात्र फंसे हुए हैं, कितनी इनकी संख्या बताई जा रही है अरविंद? जी देखिए, एग्जैक्टली जो फिगर है नेहा वो क्लियर नहीं किया है क्या पुलिस ने, लेकिन बिल्कुल संख्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो इलाका है सटे सटे कोचिंग से बड़ी संख्या में जो छात्र है वो कोचिंग करने के लिए यहाँ पर आते हैं और तस्वीरें कम से कम इस बात की, हंसा तफरी का माहौल वहां पर अरविंद देखा जा सकता है। सीढ़ियां लगाई जा रही हैं, रस्सी के सहारे छात्रों को उतारा जा रहा है, कुछ छात्र कूदते हुए भी दिखाई दे रहे हैं अरविंद। जी बिल्कुल, ये जान बिल्डिंग है नेहा, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बकायदा। अगर आप देखिए तो तस्वीर का सिद्ध करने वाले बहुत ही सारे कुछ स्टूडेंट है कूद कर अभी अभी की बहुत जो कॉल है ऑपरेशन के लिए वहां जो स्थानीय पुलिस है वो पहुंच गई है, जो फायर टेंडर की गाड़ियां हैं वो पहुंच गई है। ज्ञान बिल्डिंग है ये मुखर्जी नगर इलाके में और इसी में कोचिंग सेंटर चलता है, प्री कोचिंग सेंटर यहां पर बने हुए हैं, इसमें अचानक से ये आग लगी है जिसके बाद भगदड़ मच गई है। हालांकि अभी तक किसी तरह के कैजुअल्टी की जानकारी हमें नहीं मिली है नेहा, लेकिन बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर देखा जा सकता है। कैसे लगी आग अरविंद, इस बारे में कोई जानकारी है? जी देखिए, जो इनिशियल है उसके मुताबिक सर्किट से आग लगी हो सकती है, जो फायर टेंडर उनका कहना है कि